कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। और आज हम बनाएंगे फ्राइड चिकन। और यहाँ पर मैंने 5 से 6 मैंने लेग पीस ले लिए। आज लेग पीस की रेसिपी बताऊँगी आपको। और यहाँ पर मैं कटिंग बोर्ड ले लूँगी, एक एक उठाएंगे, इसे इस तरह हम कट कर लेंगे। इसी तरह सारे एक एक करके कट कर लेंगे। देखिए मैंने सारे इसी तरह कट कर लिए। अब इसे दोबारा बाउल में डाल लेंगे, यहाँ पर कटिंग बोर्ड उठा लेंगे, ये बोल ले लेंगे यहाँ पर। अब इसमें 1 चम्मच भर के हम नमक डाल देंगे। इसमें 2 से 3 चम्मच हम सिरका डाल देंगे, पानी डाल देंगे, इसे हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। देखिए हमारे 10 मिनट हो गए, मैंने पानी से निकाल दिए हैं। यहाँ पर लहसुन अदरक का 1-1 चम्मच पेस्ट डाल देंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची डाल देंगे, 2 चम्मच हम केचप डाल देंगे, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे, 3 चम्मच हम दही डाल देंगे और 1 अंडा तोड़ के डाल देंगे। एक चम्मच भर के हम धनिया पाउडर डाल देंगे और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। और 1/2 टीस्पून हम कलर डाल देंगे ऑरेंज, और हमारा ये चिकन को अच्छा सा कलर लग जाए। आधे घंटे के लिए इसे कवर करके छोड़ देंगे। अब इसे कवर कर देते हैं, कवर करके छोड़ देते हैं, आधे घंटे बाद फ्राई कर लें। आधा घंटा हो चुका है, अब इसे हम कर लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून सिरका और 1/2 टेबल स्पून हम नमक डाल देंगे। और आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लेना। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें मैदा, 3 चम्मच मैंने मैदा लिया वो डाल देंगे, और 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया वो डाल देंगे। इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दही का पानी ये ख़त्म कर देगी मैदा और ये कॉर्नफ्लावर। ये देखें सारे मसाले मैंने लगा दिए चिकन को, अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन रख लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए, रख छोड़ दिया है। बस अभी गर्म हो जाता है फिर हम फ्राई करना शुरू करते हैं। चलिए अभी एक एक डालना शुरू कर देंगे। और मैदा और मैंने कॉर्नफ्लोर इसलिए यूज़ किया है कि हमारे चिकन अच्छे से क्रंची बने। सारे मैं इसी तरह एक एक करके डाल भी जाऊंगी। कि देख मैंने सारे लेग पीस डाल दिए एक एक करके, और अभी इससे हम किसी चीज़ से कवर कर देंगे कि ये हमारे चिकन अच्छे से अंदर से भी गल जाए, और फिर इसकी हम साइड चेंज कर देंगे।
इस ढक्कन से हम कवर कर देंगे कि ये स्टीम से अच्छे से गल जाए और क्रंची भी हमारे अच्छे से हो जाए। चलिए अभी हम चेक करते हैं कि हमारी एक तरफ से हो गए। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, हमारी दूसरी साइड भी हमारी पक जाए। इसी तरह हम सबकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें हमारे इस तरफ से हो गए, हम दूसरी साइड पका लेंगे। इसे भी कवर करके 10 मिनट तक दूसरी साइड से पका लेंगे। देखें हमारा फ्राई चिकन तैयार हो गया। अब इसे हम डिश में निकाल लेंगे एक एक करके। ये देखें हमारा फ्राई चिकन रेडी हो चुका है और उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत पसंद आएगा और ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है और तमाम अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और इस वक्त मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो पर। खुदा हाफिज़।